हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएलबीएम। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको न्यू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन अपलोड करता हूँ और प्रतिदिन शाम को 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो प्राप्त होता है। हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा एक्सरसाइज 7A में कल मैंने यानी कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे और यह भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, यह मैंने लिख दिया था। समद्विभाव समकोण पूछा था 8वें में और 11वें। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा इन्होंने देखिए 3 पार्ट दिए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं। तो पहले पार्ट में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब देखिए बेटा 4 बिंदु दिए हैं, तो जैसे ए है आपका -1 -2, बी है आपका 1.0, सी है आपका -1 और 2, -3.0, डी है आपका -3.0। ये 4 बिंदु दिए हैं। अब आपको कल मैंने बताया था यानी कि पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपके 4 बिंदु दिए हो तो सबसे पहले चारों भुजाएं ज्ञात करने। क्या निकाला बेटा? चारों भुजाएं। तो सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी का मतलब -1 -2 तथा 1.0 के बीच की दूरी। तो देखिए अंडर रूट -1 -1 का वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग। अभी पीछे बताया था पहले में से पहला घटा दीजिए दूसरे में से दूसरा, तो रेड एक में एक घटाया -1 -2 -0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -1 -1 -2 का वर्ग 4 और -2 ये 0 तो -2 का वर्ग 4, तो ये हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं? 2√2। अब हम बात करते हैं बीसी का सीधा से मतलब है 1.0 तथा -1.2 के बीच की दूरी। तो देखो अंडर रूट पहले में से पहला घटाइए तो -+ हो जाएगा और +0 -2 का वर्ग। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 0 -2 तो -2 का वर्ग भी 4, तो यह भी आपका कितना प्राप्त हो गया? √8 अर्थात 2√2। बी सी प्राप्त हो गया। आप दो भुजाएं निकाल लें ए बी बी सी। अब निकालेंगे सी डी। तो देखिए बेटा सी डी का मतलब है -1.2 तथा -3.0 के बीच की दूरी। तो देखिए -1 -3 तो +3 हो जाएगा का वर्ग प्लस 2 -0 का वर्ग, तो ये हो गया 3 -1 2 और 2 का वर्ग 4 और 2 -0 यानी 2 का वर्ग 4। तो फाइनली ये भी √8 आया जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भुजा एडी की। एडी का मतलब -1, -2 तथा -3.0 के बीच की दूरी। तो देखिए बेटा पहले में से पहला घटाइए -1 ये हो जाएगा +3 का वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग। तो फाइनली आपका आ गया 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, -2 -0 तो ये वर्ग हो गया 4, √8 अर्थात 2√2। अब बेटा देख रहे हैं हम प्रत्येक भुजा 2√2 आ रही है। अब चारों भुजाएं जब समान हो तो हमारे पास दो विकल्प हो सकते हैं, या तो वो आकृति वर्ग हो सकती है या आकृति समचतुर्भुज हो सकती है। तो अब वर्ग है या समचतुर्भुज यह निकालने के लिए मुझे विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा अब विकर्ण आप पहला निकालेंगे एसी। अब एसी का मतलब हो गया -1 -2
तथा माइनस एक और प्लस दो के बीच की दूरी, तो देखो अंडर रूट माइनस एक तो ये प्लस एक हो जाएगा का वर्ग, प्लस माइनस दो का वर्ग, इसमें से इसको बताएंगे, ये तो आपका जीरो हो गया और ये माइनस चार का वर्ग 16, तो फाइनली आपका कितना आ गया 4। अब बात करते हैं विकर्ण बीडी। बीडी में देख लीजिएगा बी का कोऑर्डिनेट 1.0 और डी का कोऑर्डिनेट है -3.0। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 -3 तो +3 का वर्ग प्लस 0 -0 का वर्ग, 3 × 4 = 4 का वर्ग 16, तो अंडर रूट 16 आ गया, इसका मतलब है भी 4 आ गया। अब आप लिखोगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एवं विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अतः आकृति बेटा कैसी आकृति वर्ग बिल्कुल सिंपल है। देखिए बेटा चारों भुजाएं बराबर निकल आई तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो वह वर्ग होगा या वह समचतुर्भुज होगा। तो अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कह देते हैं कि वह आकृति कैसी है वर्ग। तो बेटा केवल बीच की दूरी का फार्मूला लगा है, इसको आसानी से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करो बेटा, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, फिर थर्ड पार्ट आप सुन लेंगे। सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3.5, ठीक है। मान लो ये ए है, दूसरा बी है 3.1, सी दिया हुआ है 0.3, सी दिया हुआ 0.3, और जो चौथा डी दिया हुआ -1.-4, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले चारों भुजाएं निकालनी है। क्या निकालना है, चारों भुजाएं। तो देखो बेटा मैंने ए बी निकाला, ए बी का मतलब है -3.5 और 3.1 के बीच की दूरी, तो अंडर रूट पहले में से पहला घटाइए -3 - 3 का होल वर्ग प्लस 5 - 1 का होल वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा -3 - 3 - 6 इसका वर्ग 36, 5 में से 4 और 4 का वर्ग 16, तो ये अंडर रूट 6 × 6 = 12 3 × 4 = 5 अंडर रूट 52 आ गया। अब हम बात करते हैं बी सी। बी सी का मतलब 3.1 तथा 0.3 के बीच की दूरी, तो अंडर रूट 3 - 0 का होल वर्ग प्लस 1 - 3 का होल वर्ग। तो देखिए 3 में से 0 गया तो 3 का वर्ग 9, 1 में से 3 गया तो -2 - 2 का वर्ग 4, तो ये अंडर रूट 13, कितना आ गया अंडर रूट 13, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर अब हम निकालेंगे सी डी। सी डी का मतलब है 0.3 तथा -1 - -4 के बीच की दूरी। तो देखिए पहले में से 0 - -1 इसका होल वर्ग प्लस 3 - -4 तो +4 का वर्ग। तो देखिए बेटा 0 + 1 तो 1 का वर्ग 1, 4 × 3 = 7, 7 का वर्ग 49, तो ये हो गया अंडर रूट 50, ठीक बेटा। आप एडी की बात करते हैं, एडी एडी का मतलब है -3.5 तथा -3.5 और डी का रेट -1 और -4 के बीच की दूरी। तो देखिए -3 और -1 प्लस का 1 का होल वर्ग प्लस 5 और +4 का होल वर्ग, तो ये हो जाएगा -3 + 1 - 2 उसका वर्ग 4, 5 और 4 = 9, 9 का वर्ग 81, तो ये हो गया अंडर रूट 50, ठीक है बेटा अंडर रूट 50। आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा बेटा कि क्या हमारी कंडीशन कितनी होती है, 4। तो देखो बेटा यहाँ पर जैसे ये अंडर रूट 52 है,
अंडरवुड 52 को आप लिख सकते हो 2 × 2 = 4, 13 × 4 = 52। तो इसको आप लिख सकते हो 2√13। और ध्यान से समझिएगा, अंडरवुड 52 को 2 × 4 = 13 × 4 = 52। ये 2√13, ये √13, ये √50 और ये √85। तो इनमें एक भी भुजा, जैसे कंडीशन हमारी कितनी होती है, 4 कंडीशन होती है चतुर्भुज में, जो 4 कंडीशन दी हैं, या तो चारों भुजाएं बराबर हो, या आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या बेटा ना तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं और ना चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब क्या एक साधारण चतुर्भुज हो सकता है या संदेह हो सकता है? तो इसके लिए बेटा देखो, जैसे 50 है तो देखो 25 × 50, 5 × 2 हो गया। यहाँ देखो बेटा एसी, अब एसी -3.5 और सी का मान है 0.3, इसके बीच में तो देखो -3 − 0 का वर्ग + 5 − 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग 9, 5 − 3 = 2, 2 का वर्ग 4, तो √13। ठीक है बेटा, उसके बाद बी डी की बात करते हैं, ये विकर्ण निकालते हैं। तो बी और डी 3.1 और डी का मान -1 − 4, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो 3 + 1, क्योंकि माइनस करेंगे, प्लस 1 + 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3 × 4 यानी कि 16, 4 × 5 यानी कि 25, तो ये √41 हो गया, 6, 5, 11 √41। अब यहाँ पर बेटा ना तो चार भुजाएं बराबर आ रही, अब हम ये देख लें जो कंडीशन, जैसे बेटा ये √13 आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर ये √13 आ रहा है, तो यहाँ पर एक शर्त यह जरूर बनी कि एसी, देखो ना तो ये वर्ग है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना आयत है और ना समचतुर्भुज है। आप यहाँ पर देख रहे हो एसी बराबर एसी और प्लस बीसी, ये क्या है अंडर √13 और √13, तो ये 2√13 हो गया। अब 2√13 हमारा एबी का मान है, एबी इसका मतलब एसी और प्लस बीसी जैसे जो भी रहे होंगे, तो विकर्ण जो है वो एबी के ही बराबर आ गया। तो इसका मतलब सी उसी, ये कब कंडीशन होगी, जब इस रेखा पर जैसे यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे बी हो, ध्यान से समझिएगा, तभी तो देखो ए सी और प्लस बी सी बराबर ए सी हो गया। तो इसका मतलब बिंदु कैसे हो गए, संरेखी हो गए, बिंदु संरेखी हैं, संरेखी हैं। अतः इन्होंने जो प्रश्न में कहा है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, अतः चतुर्भुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा, बहुत सिंपल है बेटा, अतः चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों बेटा देखो ये तीन बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, अब चौथा बिंदु मान लो यहाँ हो, कहीं भी हो, तो त्रिभुज बन सकता है लेकिन चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ इन्होंने यह सत्य पूछी है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए बेटा इसी में अगला पार्ट, जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में बिंदु आपके दिए हुए हैं 4.5, और ध्यान से समझिएगा 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1। अब इन बिंदुओं देखो बेटा, पहले आप क्या निकालोगे, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक, फिर विकर्ण निकालोगे ए सी और बी डी। अब आपको क्या देखना है, यदि चारों भुजाएं बराबर आए, यदि चारों भुजाएं बराबर आए तो दो शर्त हो सकती है, वर्ग या समचतुर्भुज, और विकर्ण अगर बराबर है तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। अब अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आए तब दो शर्तें हो सकती हैं, आयत या समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण बराबर आए तो आयत, विकर्ण बराबर ना आए तो समांतर चतुर्भुज। तो यह आपको स्वयं करना है, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ये वाला मैंने
कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा और हम आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने कहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके शीर्ष, अब देखो बेटा एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए हुए ए बी सी और शीर्ष दिया 0.4, 0.4, 4.0 और 2.-3। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है और एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अब ये भी हमको ज्ञात करना है संपूर्ण त्रिभुज। तो सबसे पहले संपूर्ण त्रिभुज बनाने के लिए आपको सबसे पहले भुजाएं निकालनी पड़ेगी ए बी। ए बी का मतलब 0.4 और 4.0 के बीच दूरी। तो देखिए 0-4 का वर्ग प्लस 4-0 का वर्ग, तो 0 में से ये हो गया बेटा 16 और ये भी 16, तो अंडर रूट 32। क्लियर? आप बात करते हैं बी सी। बी सी का मतलब हो गया 4.0 और 2.-2 के बीच की दूरी, तो अंडर रूट 4-2 का वर्ग प्लस 0-2, तो प्लस 2 का वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4 में से 2 हो गया 2, 2 का वर्ग 4 और ये 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट 8। क्लियर? ए बी निकल आया आपका अंडर रूट 32 और बी सी निकल आया अंडर रूट 8। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी का मतलब है 0.4 तथा 2.-2 के बीच की दूरी। तो देखो 0-2 का वर्ग प्लस 4-2, तो प्लस 2 का वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, तो यह हो गया अंडर रूट 36 और 4 40। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा सबका वर्ग कर लीजिएगा तो आप देखोगे इनको वर्ग करके उस संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो इसका वर्ग करो ab² + bc²। देखो बेटा ab² किया तो 32 आया, bc² किया तो 8 आया, तो कितना हो गया 40। तो ab² + bc² ये 40, एसी का स्क्वायर। अब आप लिख सकते हो कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः आकृति क्या है, संपूर्ण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बेटा, संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, यही संपूर्ण त्रिभुज की शर्त होती है। अब इन्होंने साथ में पूछा है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ध्यान दीजिएगा परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों भुजाओं को जोड़। तो देखो बेटा ए बी है अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 प्लस बी सी अंडर रूट 8 प्लस ए सी अंडर रूट 40। ठीक, अब देखो बेटा इसको आप लिख सकते हो 4 × 16 × 32, तो 4 × 2, 2 × 4 × 2 अब 40 रह गया, तो देखो 2 × 4 = 40, तो 2 × 10। इसमें देखो 4 × 2 = 6 × 2 और प्लस 2 × 10, 4 × 2 कॉमन ले लो, बाकी ये आपका परिमाप होगा। इसमें 4 तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है बेटा 2 × 2 कॉमन ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, बाकी ये आपका परिमाप आ गया। तो सिंपल था बेटा, सबसे पहले मैंने तीनों भुजाएं ज्ञात की, तीनों भुजाएं जब ज्ञात की तो मैंने देखा बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आकृति जो है वह संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, फिर परिमाप निकाल दिया, इसको नोट करिएगा।
अगले प्रश्न बेटा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु बिंदु दिए 1.5, 1.5, 2.3 तथा -2 और -3, इनका क्या बिंदु संरेखीय है, क्या बिंदु संरेखीय है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर बिंदु संरेखीय है तो बड़ी भुजा बराबर से दोनों भुजाओं की योग, बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं की योग के बराबर आया था तो समकोण त्रिभुज, और बड़ी भुजा बराबर से दोनों भुजाओं की योग के तो संरेखीय, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। आप मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैंने मान लिया, तो सबसे पहले ए बी निकाल लिया, 1.5 और 2.3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी आप बहुत पहले से सीख चुके हैं, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो। अब देखिए बेटा, एक में से दो गया रेडियन, तो रेडियन का वर्ग 1+, 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग 4, तो ये कितना आ गया 5। अब बात करते हैं BC की, तो B का मान है 2.3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया 2 और -11, तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 का वर्ग हो गया 3 माइनस माइनस 11, तो प्लस 11 हो गया, 2 और 2 4 का वर्ग 16, 11 3 14 है उसका वर्ग 196, तो फाइनली आपका हो गया 6 और 6 12, 9 1 10 11, 212, √212। अब हम बात करते हैं एसी, एसी का मतलब है 1.5 तथा -2 और -11 के वर्ग, इनके बीच की दूरी, तो देखिए 1 -2 का वर्ग प्लस 5 -11, तो प्लस 11 का वर्ग, तो यह हो जाएगा 2 3 3 का वर्ग 9, 11 5 16 का वर्ग 256, तो यह आपका हो गया 9 6 15, 265। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा ये बिंदु संरेखीय है, तो संरेखीय कब होंगे, जब बड़ी, अब यहाँ पर बेटा थोड़े से फैक्टर कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा, तो देखो बेटा ये तो अंडर रूट 5 है, 212 के फैक्टर कर लें, 265 के फैक्टर कर लें, तो देखो 212 के फैक्टर कर लें, 2 1 2 6 12, 2 5 6 10, 2 3 6, अब ये 53 बचा आपका, यहाँ पर 265 के फैक्टर करो, 265 के फैक्टर की 5 6 5 11 2 13, 3 से कटेगा 5 5 25, 1 5 5 3 15, ठीक, तो ये आपका 53 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 53 5 53 और 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर देखो बेटा इसमें आपका 2 बाहर आ गया, अंदर में 53 नहीं आ रहा है और संपूर्ण त्रिभुज भी नहीं आ रहा, अब ना संरेखीय आ रहा ना संपूर्ण त्रिभुज आ रहा, तो आप लिख दोगे चूंकि बड़ी भुजा, अब इसमें बड़ी भुजा आपकी कौन सी, अंडर रूट 265 आ गया, तो बड़ी भुजा बराबर नहीं है शेष दोनों भुजाओं के योग, शेष दोनों भुजाओं के योग, ठीक है, बड़ी भुजा बराबर नहीं है शेष दोनों भुजाओं के योग के, अतः बिंदु, ये पूछा बेटा संरेखीय है या नहीं, तो बिंदु संरेखीय नहीं है, अगर ये बात आ जाती बराबर, या अब बेटा जैसे समकोण त्रिभुज या त्रिभुज की अन्य कंडीशन वो हमको तब निकालिए, हमसे पूछा गया है उनका क्या ये संरेखीय है, तो बड़ी भुजा बराबर नहीं है इससे दोनों भुजाओं के योग के, इसका मतलब बिंदु संरेखीय नहीं है, नोट करिएगा बेटा इसको, इसके शॉर्ट लीजिएगा। पंद्रहवें क्वेश्चन कहा गया है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु एक्स वाई बिंदु, अब देखो बेटा ये बिंदु एक्स वाई है, इसको मान लो पी, एक बिंदु दो बिंदु दिए, इसको मान लो एक ए एक मान लो बी, ये मैंने अपने से मान लिया, बिंदुओं 3.6 तथा -3.5
माइनस चार से संदूरस्त है, इसका मतलब दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी। ठीक, एक्स वाई का संबंध पूछा है, तो देखो बेटा सिंपल, एक्स पी ए निकाल लीजिएगा अंडर रूट एक्स माइनस तीन का वर्ग प्लस वाई माइनस छ का होल वर्ग। पी बी की बात करें तो एक्स प्लस तीन का होल वर्ग और प्लस वाई माइनस चार का होल वर्ग। ठीक बेटा सिंपल, अब आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करने पर ठीक है बेटा वर्ग कर दिया तो x माइनस थ्री का होल वर्ग प्लस y माइनस छ का होल वर्ग इज इक्वल x प्लस थ्री का होल वर्ग प्लस y माइनस फोर का होल वर्ग। होल स्क्वायर खोल लीजिए, चूंकि x और y मुझे समान चाहिए, देखो बेटा x माइनस तीन का वर्ग होगा x स्क्वायर प्लस नौ माइनस सिक्स एक्स, ठीक है y माइनस छ का वर्ग खोला वाई स्क्वायर प्लस छत्तीस माइनस बारह वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस नौ और प्लस का छः एक्स, ठीक प्लस वाई स्क्वायर प्लस सोलह माइनस का आठ वाई। अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म। ठीक, यहाँ देखो ये एक्स को एक तरफ कर लीजिएगा, वाई को मतलब सारे पद एक तरफ कर लीजिए, तो देखो बेटा यहाँ पर 9 और 36 ये हो गया 45 माइनस का, अब देखो एक्स वाई उधर देख देंगे, यहाँ देखो 9 और 16 25 इनको इधर लाए तो माइनस 25 हो गया बराबर 6x पहले से रखा था माइनस 8y पहले से था, ये उधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा प्लस के 12y हो जाएगा, तो ये आपका बचा 20, 6x ये हो गया 12x और 8y और 8 4y प्लस के 4y, 4 का दोनों ओर भाग दे, तो जब 4 का भाग दे दिया 4 पंचे 20 4 3 12 प्लस y, तो x y में जो हमारा संबंध बना वो बना 3x प्लस y इज इक्वल 0, या आप इसी को लिख सकते हो 3x प्लस 5 प्लस y माइनस 5 और ये भी लिख सकते हो बेटा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये भी सही है, ये भी सही। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन में जो संबंध इन्होंने कहा था x और y में जो संबंध क्या कहा बेटा, ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो PA बराबर PB मैंने कर दिया और सॉल्व करके निकाल लिया 3x प्लस y जो कल 5, इसको नोट करिएगा बेटा। अब एक आकृति है, आकृति को मैं पहले बनाए दे रहा हूँ जिससे टाइम खराब ना हो, फिर आप उसको हल करिएगा, ठीक है बेटा इसको नोट करो बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें इन्होंने कहा है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखो बेटा इधर दिया स्तंभ और ये दिया हुआ, ये स्तंभ है आपका और इधर है आपका पंक्ति, ये क्या है पंक्ति, ठीक ये पंक्ति है, क्या गिनती दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक जो व्यक्ति बैठा है चार और तीन की सीधी, देखो चार और तीन की सीधी में यहाँ पर एक व्यक्ति ए बैठा है, ध्यान दीजिएगा डी बैठा एक और छ की सीध में, एक और छ की सीध में यहाँ पे डी बैठा है, ध्यान से समझिएगा सी बैठा है चार और नौ की सीध में, चार और नौ की सीध में यहाँ सी बैठा है, ठीक है बेटा, और बी बैठा है सात और छ की सीध में, सात और छ की सीध में यहाँ पे बैठा है डी, ठीक। अब सॉरी बी, अब इन्होंने बेटा ये कहा है कि चंपा और चमोली कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमोली से पूछती हैं क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। बेटा एक बच्चा कह रहा है ये वर्ग है, एक बच्चा कह रहा है ये वर्ग नहीं है, तो सबसे पहले बेटा हमको क्या करना है निर्देशांक शब्द निकालना, फिर यह आकृति हम बताएंगे कि ये जो आकृति है
या ये वर्ग है या नहीं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लें बिंदु, बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा, ए जब भी बात करते हैं तो ये सदैव देखिए बेटा, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा लें तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये हो गया वाई और वाई डैश, और ये आपका मूल बिंदु होता है ओ, ठीक। इस पर चलते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ए की बात करते हैं। तो ए हमारा एक्स अक्ष पे इतना, ए दो तीन, एक्स अक्ष पे तीन है, वाई अक्ष पे चार है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3.4, ठीक। बी की बात करें, बी हमारा देखिए बेटा एक्स अक्ष पे कितनी दूर है, 6। देखो बेटा बी हमारा ये है, एक्स अक्ष पे 6 दूरी पर है और वाई अक्ष पे 7, तो 6.7 हो गया, ठीक। सी की बात करें, सी हमारा बेटा एक्स अक्ष पे 9 दूरी पर है और वाई अक्ष पे 4 दूरी पर, 9.4 हो गया। बिंदु डी की बात करें, जब बिंदु डी निकालेंगे तो डी हमारा एक्स अक्ष पे 6 दूरी, वाई अक्ष पे 1, तो 6.1, 6.9। अब सिंपल सा बेटा, आपको ए बी निकालना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक। ये भुजाएं हमको ज्ञात करनी है बीच की दूरी के सूत्र से। उसके बाद हमको निकालना है विकर्ण, विकर्ण कौन कौन निकालना, ए सी निकालना और बी डी निकालना, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये चारों भुजाएं बराबर आ जाए, ये चारों कैसी आ जाए, बराबर यदि आ जाए, ये जरूरी नहीं कि यदि बराबर आए, और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आए, ठीक है, ये भी बराबर है, तो हम कह देंगे आकृति वर्ग है। और पीछे आप कई क्वेश्चंस कर चुके हो जिनमें बीच की दूरी का यूज करके आप भुजाएं, तो देखो बेटा ए बी का मतलब है 3, 4, 6, 7 के बीच की दूरी, 6, 7, 9, 4 के बीच की दूरी, बी सी 9, 4, 6 के बीच की दूरी, सी डी 3, 4 और 6 के बीच दूरी, ए डी, ए निकाल लेंगे, फिर विकर्ण निकाल लेंगे, निकालना पीछे कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस वीडियो में एक्सरसाइज 7 फिनिश होता है, और रेगुलर आप हमारी शाम को 7 बजे क्लास अटेंड करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक बाय बाय।